अगर हम आपसे कहें कि एक सांप की कीमत मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से भी महंगा है तो आप थोड़ा हैरान रह जाओगे और मन में सवाल उठेंगे कि ऐसा कौन सा सांप है जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से भी महंगा है और क्यों है। तो इसका जवाब है दो मुहा सांप जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक लाल रंग का खास सांप है जो भारत के मरुस्थली इलाके राजस्थान में पाया जाता है। हालांकि स्थानीय भाषा में इसे दो मुहा सांप भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम रेड सेंड बोआ है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यही असली नाम है। इस सांप की पूंछ का आकार ही ऐसा होता है जो मुंह की तरह नजर आता है। यही कारण है कि ये देखने में दो मुहा सांप लगता है। कई खासियत होने की वजह से इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार तक है, क्योंकि दवा से लेकर तांत्रिक विद्या में इस सांप का काफी इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसकी स्मगलिंग भी बढ़ गई है। यही वजह है कि तस्कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे 3 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में बेचते हैं। हालांकि सरकार ने 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे संरक्षित घोषित किया है। इसकी तस्करी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। इसकी कीमत सांप के वजन पर निर्भर होती है। 1 किलो की कीमत 1 करोड़ रुपए तक होती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो ये सांप शांत प्रवृत्ति का होता है। इसमें जहर भी नहीं होता। ये इतना शांत होता है कि यदि किसी के घर में आ जाए तो उसे आसानी से बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये देखने में जरूर बेहद खतरनाक लगता है। अब सवाल उठते हैं कि ये सांप इतना महंगा क्यों बिकता है। तो भारत में रेड सेंड बोआ को लेकर कुछ मिथ भी है। जैसे इस सांप की स्टीम से चेहरे की खोई हुई रौनक लौट आती है, या इसे खाने से आदमियों का पौर क्षमता बढ़ती है। ये सब अफवाहें हैं जो इसकी कीमत के लिए भी जिम्मेदार हैं। कई तंत्र मंत्र वाले भी इस सांप का इस्तेमाल करते हैं। वे सांप की बलि तक चढ़ाते हैं। उधर वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सांप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें ज्यादातर जहर भी नहीं होता है। ये आमतौर पर छोटे जानवरों जैसे चूहा, कीड़े आदि का शिकार करते हैं। इसके अलावा खतरा देखने पर ये पूंछ को भी फन की तरह हवा में उठा सकते हैं, ताकि इंसान या आदमी डर जाए और अपने आप को वो बचा सके। भारत के अलावा ये पाकिस्तान और ईरान में भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तस्करी को देखते हुए भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में अगर ये सांप आपको कहीं मिलता है या फिर आपको दिखता है तो ये वन्य जीव संरक्षण विभाग के अंतर्गत उसके हवाले कर दीजिए, ताकि आप भी सांपों की और जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।